Hello guys, welcome back to my IGTV and I am back again with another video. And I'm late because I was not keeping well, but I'm totally cool and totally fine now. And topic for today's video is reference code. So first thing is, let me tell you what is reference code. So guys, any crew who's flying gets a number, like a roll number, which is also mentioned in our IDs, and in Indigo we used to call it IGA, and we are allowed to give that roll number as reference code to the person who is our relative or our friend or who is capable of becoming a crew. I will share my reference code to that person. That person will write that reference code on his or her resume, which is going to help that person. Now I'm going to tell you how it works. For an example, अगर हमें एग्जाम पास करना होता है तो हमें 100 में से 100 मार्क्स चाहिए होते हैं सपोज, बट अगर आपके पास रेफरेंस कोड है तो अगर आप 100 में से 99 भी लेकर आओगे तो भी आप वो एग्जाम पास कर जाओगे, क्योंकि एक पॉइंट आपके रेफरेंस कोड से आपको मिलेगा. दैट इज हाउ रेफरेंस कोड वर्क्स. रेफरेंस कोड अगर आपके पास है या आपने वो रेफरेंस कोड मेंशन करा है, इसका मतलब कहीं पे भी ये नहीं है कि आप वहां पे जाके कुछ भी परफॉर्म नहीं करोगे, या आप ओवरवेट हो या आप अंडरवेट हो या आप एलिजिबल नहीं हो तो भी आप क्रू बन जाओगे. रेफरेंस कोड सिर्फ और सिर्फ आपके लिए एक पॉइंट होता है, और हम जो आपको रेफरेंस कोड दे रहे हैं ये हम काइंड ऑफ कंपनी को सॉर्ट ऑफ छोटी सी अश्योरिटी दे रहे हैं कि हाँ दिस पर्सन इज केपेबल, एंड आर कंपनी काइंड ऑफ ट्रस्ट अस कि हाँ भाई जिसको हमने रेफरेंस कोड दिया है वो वर्थ इट है ये जॉब करने के लिए. थर्ड थिंग आई वुड लाइक टू से, दिस इज एन एक्सपीरियंस विच समवन शेयर्ड विथ मी एंड आई एम हियर शेयरिंग इट विथ यू. सो दिस इंसिडेंट हैपेंड दैट सम क्रू फ्रॉम सम एयरलाइन टोल्ड वन गर्ल, एंड शी इज overweight. She is like 15 kgs or 20 kgs overweight, and she said that you will write this reference code and they will not take your BMI round and you will be able to crack an interview. And also she took some amount from that girl for giving her reference code. This is totally wrong. And also I would like to tell you ki agar मेरे रेफरेंस कोड के थ्रू कोई भी इंसान सिलेक्ट होता है तो मेरी कंपनी मुझे उसके लिए कुछ छोटा सा अमाउंट पे करती है. तो आप उस लड़की से भी पैसे ले रहे हो और आप अपनी कंपनी से भी पैसे ले रहे हो. एंड द सेकेंड रॉन्ग थिंग इज दैट उन्होंने उसको अश्योरिटी दी हु इज नॉट एलिजिबल टू बिकम अ क्रू. आई मीन शी वॉज ओवर वेट. इफ शी विल रिड्यूस द वेट देन शी इज एलिजिबल टू बिकम अ क्रू, एंड देन शी कैन क्रैक रेस्ट ऑफ द राउंड. नाउ फोर्थ थिंग इज दैट पीपल अज्यूम. This is one big assumption. क्रू वही बनते हैं जिनके पास रेफरेंस कोड होता है. ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. रेफरेंस कोड अगर आपके पास होगा या रेफरेंस कोड अगर आपके पास नहीं होगा, आपको सारे राउंड्स देने ही हैं, आपको सारे राउंड्स क्लियर करने ही हैं. और खुद बस जिसके पास रेफरेंस कोड होगा उसको थोड़ा सा लीनियंटली चेक किया जाएगा, और जिसके पास रेफरेंस कोड नहीं होगा उसको कंपनी अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से ही चेक करेगी. नाउ दिस इज समथिंग वेरी सीरियस विच आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट. बहुत से लोगों को, बहुत से लोग मुझे मैसेज करते हैं, बहुत से लोग मुझे मेल करते हैं दैट आई रिसेंटली रिसीव्ड अ मैसेज सेइंग योर प्रोफाइल इज वेरीफाइड फॉर इंडिगोज राउंड और फॉर स्पाइसजेट्स राउंड और फॉर एक्स वाई जेड एनी एयरलाइंस राउंड. पहली बात यह कि कोई भी एयरलाइन आपको मैसेज या मेल खुद से नहीं करती अंटिल एंड अनलेस आपने अप्लाई नहीं करा हो. अगर कुछ कुछ एयरलाइंस का प्रोसीजर होता है कि यू हैव टू अप्लाई, यू हैव टू आंसर फ्यू क्वेश्चंस, एंड देन वो एयरलाइन आपके उन क्वेश्चंस के आंसर्स देखेगी और उस बेसिस पे आपको बोलेगी यू आर वेलकम फॉर नेक्स्ट राउंड ऑफ आर एयरलाइन. बट कुछ लोगों ने, कुछ कंसल्टेंसीज ने अपना बिजनेस बना लिया है कि वो लोगों को मैसेज करते हैं, ईमेल करते हैं, कॉल भी करते हैं और ये बोलते हैं कि आप हमारी कंसल्टेंसी में आ जाइए, हम आपका डायरेक्ट एचआर राउंड करवा रहे हैं सो एंड सो एयरलाइन से. एंड वो लोग वहां पे जाते हैं, वो लोग इंटरव्यू देते हैं, इंटरव्यू देने के बाद उनको दोबारा एक मेल आता है दैट यू नीड टू सबमिट सो एंड सो अमाउंट. उसके लिए हम आपको बेनिफिट्स देंगे, एक हम आपका पासपोर्ट बनवा देंगे, सेकेंड हम आपको इंटरव्यू बताएंगे कि कब और कहाँ है, थर्ड हम आपको इंटरव्यू की प्रिपरेशन करवाएंगे. सो गाइज, ये जो कंसल्टेंसीज आपको कॉन्टैक्ट कर रही हैं इनका कोई कनेक्शन नहीं है किसी एयरलाइन से, ये बस अपना बिजनेस कर रही हैं. कोई भी इंसान, मैं खुद आपको मेरी एयरलाइंस में किसी भी जैक के थ्रू जॉब नहीं दिलवा सकती, तो कोई कंसल्टेंसी जिसका कोई कनेक्शन ही नहीं है वो आपको जॉब कैसे दिलवाएगी.
जो लोग बोलते हैं कि हमारी तो जुगाड़ है एचआर से, उस कंपनी के एचआर से हमारी जुगाड़ है, आपके एचआर से कितनी भी जुगाड़ हो, आपको पर्सनल इंटरव्यू सीईओ से या हायर किसी अथॉरिटी से ही क्रैक करना है. नो कंपनी एंटरटेन एनी सच थिंग. प्लीज अंडरस्टैंड दैट. ऑल्सो कुछ पेजेस भी हैं इंस्टाग्राम पे भी हैं, कुछ पेजेस फेसबुक पे भी हैं कि वी कैन हेल्प यू टू गेट अ जॉब. आई एम क्लेरिफाइंग इट टू यू, नो वन इन दिस वर्ल्ड कैन हेल्प यू टू गेट अ जॉब इन एनी एयरलाइंस. मैं किसी टेली परफॉर्मेंस या किसी मार्केटिंग जॉब की बात नहीं कर रही, मैं एयरलाइंस की बात कर रही हूँ. अगर आपको किसी एयरलाइंस का पार्ट बनना है, फॉर दैट यू हैव टू क्रैक ऑल द राउंड. वो कोई भी पेजेस, कोई भी इंसान जो आपको बोल रहा है कि आई कैन हेल्प यू टू गेट द जॉब, दे कैन नॉट हेल्प यू टू गेट द जॉब. दे विल जस्ट आस्क मनी फॉर यू. हो सकता है शायद वो आपसे पैसे लेके गायब हो जाए, हो सकता है शायद वो आपसे पैसे लेके आपको 3-4 दिन क्लासेस दें, या उनके पैसे लेने से या उनके रेफरेंस से आपको किसी एयरलाइंस की एंट्री में कोई हेल्प नहीं मिलेगी. सो प्लीज अंडरस्टैंड दैट बिफोर पेइंग एनी अमाउंट टू एनी वन, बी इट अ क्रू, बी इट एनी कंपनी, बी इट एनी पेज, बी इट एनी कंसल्टेंसी, थिंक. मैंने लास्ट वीडियो पोस्ट करी थी जिसमें मैंने उस वीडियो में दिखाया था कि कैसे आपको इंटरव्यूज की डेट मिल सकती हैं, और उस वीडियो में मैंने आपको ये भी दिखाया था कि इंडिगो ने एक सैंपल और एक कॉशन मेंशन किया था कि बहुत सारे लोग हैं जो फेक ऑफर लेटर्स बना के ईमेल कर रहे हैं. सो इफ एनीवन हु इज प्रॉमिसिंग यू जॉब इज फेक, नो वन कैन प्रॉमिस यू जॉब. एनीवन हु इज सेइंग कि मैं आपकी एयरलाइंस में जुगाड़ या एयरलाइंस में जॉब दिलवा दूंगा, दैट इज नॉट पॉसिबल. सो गाइज प्लीज अंडरस्टैंड व्हाट इज रेफरेंस, प्लीज अंडरस्टैंड हाउ रेफरेंस वर्क्स, एंड प्लीज अंडरस्टैंड दैट यू कैन नॉट बाय रेफरेंस कोड, और एनी वन हु सेलिंग रेफरेंस कोड इज डूइंग रॉन्ग. आई होप दिस वीडियो इज गोइंग टू स्प्रेड सम अवेयरनेस, एंड डू लेट मी नो इफ आई सेड एनीथिंग रॉन्ग. इफ समवन इज सेइंग दैट आई एम गोइंग टू ट्रेन यू, इफ समवन इज सेइंग आई कैन गिव यू इंग्लिश क्लासेस, इफ समवन इज सेइंग आई कैन गिव यू ग्रूमिंग क्लासेस, येस गिव मनी टू देम, येस दे कैन हेल्प यू, बट उनके लिए भी प्लीज रिसर्च वेल एंड देन गिव मनी. बट इफ समवन इज सेइंग गिव मनी फॉर जॉब, डू नॉट गिव एनी मनी टू दैट पर्सन फॉर गेटिंग अ जॉब. सो प्लीज शेयर दिस वीडियो इफ यू लाइक इट, आई मीन प्लीज शेयर इट इफ यू थिंक इट कैन हेल्प एनी वन. सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे.